एक बार गांव में हीरा और ललिया दोनों मिलकर पतंग उड़ा रहे थे। अरे ललिया भाई, चरखड़ी जरा सही से पकड़, मैं पेचे लड़ाने जा रहा हूँ। हील सही तरह से आनी चाहिए भाई, नहीं तो अपनी पतंग कट जाएगी। फिर हीरा पेच लड़ाने लगता है और एक पतंग काट देता है। अरे वाह 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 ललिया भाई, वो देखो मैंने लाल पतंग को काट दिया, कैसे लहराती हुई जा रही है। हाँ भाई हीरा, ये चाइना का मांझा तो बड़ा ही जबरदस्त निकला भाई, इसकी धार तो वाकई बड़ी तेज निकली। चलो चलो अब वो नीले रंग की पतंग काटते हैं। फिर वो दोनों पतंग उड़ाने में मस्त हो जाते हैं और वो लाल पतंग कट कर एक पेड़ पर जाकर फंस जाती है और उसकी लंबी डोर भी वहीं सड़क पर गिरी होती है। तभी एक औरत रिक्शे पर वहां से जा रही होती है। रिक्शा तेज रफ्तार में होता है, तभी उस कटी पतंग का मांझा उस औरत के गले से टकराता है। आह, अरे मर गई, ये क्या चीज थी, इसने तो मेरी गर्दन ही काट दी। तभी उस तेज मंझे से औरत की गर्दन की सांस की नली कट जाती है और वो सांस नहीं ले पा रही होती। भैया मेरी मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। फिर वो औरत सांस ना आने की वजह से वहीं दम तोड़ देती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, इसका तो बहुत खून बह रहा है, अब क्या करूं? अरे अरे भाई, कोई है, मदद करो, हमें मदद की जरूरत है। फिर उसकी आवाज सुनकर ललिया और हीरा भी वहां पहुंच जाते हैं। उस औरत के गले में उस मंझे को फंसा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, हीरा भाई वो देखो, ये वही लाल पतंग है जिसे हमने काटा था, देखो इसका मांझा इस औरत के गले में फंस गया, अब क्या करें? अरे चुप रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारी वजह से हुआ है। फिर वे लोग पुलिस को वहाँ बुला लेते हैं। पुलिस कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाती है। अरे नहीं, ये मांझे से गर्दन काटने के मामले तो अब बढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं लोग ये चाइनीज मांझा इस्तेमाल करना कब बंद करेंगे। फिर ललिया और हीरा चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। अरे भाई जल्दी से यहाँ से निकलो, पुलिस को इस बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। फिर वे दोनों अपने घर की ओर भाग जाते हैं। अजी हीरा जी, क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो, सब ठीक तो है? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं। फिर इतना बोलकर हीरा अपने कमरे में चला जाता है। फिर रात होने पर हीरा और इसकी पत्नी सो रहे होते हैं, तभी अचानक से तेज तेज हवा चलने लगती है और उनकी खिड़की खुल जाती है। अजी उठिए ना, देखिए खिड़की खुल गई है, लगता है बाहर तूफान आने वाला है, जाइए ना, जाकर खिड़की बंद कर दीजिए। फिर हीरा खिड़की को बंद करने जाता है, तभी उसे खिड़की से बाहर एक लाल रंग की पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, ये इतनी रात में कौन पतंग उड़ा रहा है? अरे 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 ये क्या, ये क्या, इसकी डोर मेरे गले में कैसे फंस गई? अरे अरे मीना, मेरी मदद करो, जल्दी यहाँ आओ। तभी उसकी पत्नी मीना भी उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो पतंग की डोर उसे खिड़की से बाहर खींच लेती है। अरे मर गया रे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? तभी हीरा हवा में उड़ने लगता है, वो पतंग के अंदर एक चुड़ैल का साया आ जाता है। मीना उस पतंग में चुड़ैल की शक्ल को देखकर दंग रह जाती है। अरे मीना मेरी मदद करो, इस नास मीठी पतंग ने तो मुझे अपने साथ हवा में ही उड़ा लिया। मेरी गर्दन, मीना जल्दी कुछ करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अजी ये कोई आम पतंग नहीं है, इस पतंग में तो चुड़ैल की शक्ल नजर आ रही है जी, अब मैं क्या करूँ? तभी वो पतंग हीरा को उड़ाकर वहाँ से ले जाती है। मीना भी उस पतंग का पीछा करने लगती है। फिर वो पतंग उड़ती उड़ती ललिया के घर के पास पहुँच जाती है। ए चल, अपने दोस्त को बाहर बुला, अब उसकी बारी है, तुम दोनों की वजह से मेरी जान गई है, अब तुम दोनों भी मेरी तरह ही मरोगे। अरे अरे ललिया भाई, बाहर आओ, मेरी मदद करो। अरे मर गया रे, ये नास मिट्टी पतंग तो
मेरा गला दबा कर ही दम लेगी। अरे ललिया भाई, मेरी मदद करो। फिर हीरा की आवाज सुनकर ललिया अपने घर से बाहर आता है। हीरा को हवा में उड़ता देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, अरे हीरा भाई, तुम इस पतंग के साथ हवा में कैसे उड़ रहे हो? अरे नास मिटे, दिख नहीं रहा, ये पतंग की डोर मुझसे लिपटी हुई है। ध्यान से देख, ये वही पतंग है जिसे हमने आज सुबह काटा था, जिसकी वजह से एक औरत की जान चली गई थी। अब वो औरत वापस लौट आई है अपना बदला लेने के लिए। फिर ललिया ध्यान से पतंग की ओर देखता है तो उसे एक चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है। उस चुड़ैल को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, इस पतंग में तो सच में एक चुड़ैल है। अब क्या करूं, यहाँ से भागने में ही भलाई है। फिर ललिया वहां से भागने लगता है, तभी उस पतंग की डोर उसकी गर्दन में लपेट जाती है और ललिया भी हीरा के साथ साथ हवा में उड़ने लगता है। अरे मर गया रे। अरे हीरा भाई, कुछ करो, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, मैं तो सिर्फ चरखड़ी पकड़ कर खड़ा हुआ था, पतंग तो तुम उड़ा रहे थे। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, आपकी जान मेरी वजह से नहीं गई है। तभी हीरा की पत्नी भी कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर वहां पहुंच जाती है। पतंग में उस चुड़ैल की शक्ल देखकर सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। अरे गांव वालों, हमारी मदद करो, नहीं तो ये पतंग हमारा गला घोट कर मार डालेगी। अरे भाइयों, एक काम करो, जल्दी से इस पतंग पर पत्थर मारो, इससे ये पतंग फट जाए। फिर सब गांव वाले मिलकर पतंग पर पत्थर बरसाने लगते हैं। नहीं, ये ले, ले, और ले, आ, आ। अरे कमबख्तो, पत्थर मारकर हमारी जान लेना चाहते हो क्या? आई आई मम्मी आई। आ, अरे हीरा भाई, अपना सर बचाओ, अगर एक भी पत्थर सर पर लग गया तो हम नहीं बचने वाले। फिर कुछ ही देर में गांव वाले पतंग पर इतने पत्थर बरसा देते हैं कि पतंग फट जाती है और हीरा और ललिया नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अरे मेरी कमर, बहुत दर्द हो रहा है भाई। अरे हीरा भाई, रोना बंद करो और जल्दी यहाँ से निकलो। पतंग फटने की वजह से ही वो चुड़ैल पतंग से बाहर निकल आती है और गुस्से से आग बबूला हो रही होती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे और मेरे शिकार के बीच में आते हो, अब तुम सब के सब मरोगे, मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे ललिया भाई, अब क्या करें? ये चुड़ैल अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी भाई, जल्दी कुछ सोचो, नहीं तो कोई नहीं बचने वाला। फिर चुड़ैल गांव वालों की ओर बढ़ने लगती है। तभी ललिया का छोटा बेटा चुड़ैल के सामने आ जाता है और चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उस छोटे से बच्चे को अपने सामने देखकर वो रुक जाती है। चुड़ैल आंटी, मेरे पापा को माफ कर दो, उनसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, आप उन्हें माफ कर दो। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद हमारे गांव में कोई भी तेज मंझे का इस्तेमाल नहीं करेगा और पतंग सिर्फ खुले मैदान में ही उड़ाएगा, जिससे उसकी डोर कटने के बाद किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। उस बच्चे की बात सुनकर उस चुड़ैल को दया आ जाती है। गांव वालों, तुम सबको इस बच्चे से कुछ सीखना चाहिए, ये इतनी छोटी उम्र में जान गया कि इस तेज मांझे से कितने लोग और पक्षियों की जान को खतरा हो सकता है। आज मैं तुम सबको सिर्फ इस बच्चे की वजह से छोड़ रही हूँ। फिर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से गांव वाले तेज चाइनीज मांझे का बहिष्कार करते हैं और पतंग सिर्फ मैदानी इलाके में ही उड़ाते हैं।